नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदेगा भारत, समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में राफेल डील सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदेगा। स्मार्ट सिटी को लेकर भी दोनों देशों के बीच 16 समझौते हुए। ओलांद ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इसके खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। मोदी ने कहा कि आतंकवाद को पनाह देने और वित्तीय तथा अन्य मदद देने वाले देशों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब कि ओलांद इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही फ्रांस ऐसा पहला देश होगा जिसका सैन्य दस्ता गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगा। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। कैबिनेट के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को सुबह कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि राज्य में पिछले साल 16 दिसंबर को राजनीतिक संकट शुरू हो गया था, जब कांग्रेस के 21 बागी विधायकों ने भाजपा के 11 सदस्यों और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर एक अस्थायी स्थान पर आयोजित सत्र में विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर महाभियोग चलाया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस कदम को अवैध और असंवैधानिक बताया था। बेगम खालिदा जिया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के मुक्ति संग्राम के शहीदों के खिलाफ कथित निंदात्मक टिप्पणियां करने पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री एवं विपक्ष की नेता बेगम खालिदा जिया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। एक अदालती अधिकारी ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी की अपील करते हुए सोमवार सुबह मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ढाका की अदालत में मामला दर्ज किया गया। खालिदा की बीएनपी कट्टरपंथी जमात इस्लामी की अहम सहयोगी पार्टी है। जमात ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था। बर्फीले तूफान के बाद कैनेडी हवाई अड्डे पर आंशिक सेवा बहाल। अमेरिका के पूरे ईस्ट कोस्ट में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाले भीषण बर्फीले तूफान के आने के एक दिन बाद प्रसिद्ध जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आंशिक सेवा बहाल कर दी गई। एयर इंडिया का विमान यहां सबसे पहले उतरा। न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि हवाई अड्डे पर रविवार सुबह 7:10 पर पहला विमान उतरा। यह विमान एयर इंडिया का था तथा अभी भी सैकड़ों उड़ानें रद्द हैं। वाशिंगटन में भी एक सप्ताह से सभी उड़ानें रद्द हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।